नमस्कार दोस्तों, एसीटीसी टेक्निकल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पासपोर्ट सेवा पे। पासपोर्ट कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग देखेंगे, और हर स्टेप में देखेंगे हम लोग कि कैसे पासपोर्ट बनाते हैं। और अभी नया पासपोर्ट आप बनाने के लिए आपके हर जिले में सुविधा हो चुकी है, तो आइए हम लोग पासपोर्ट देखते हैं कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। आप खुद ही कर सकते हैं, ये सारे स्टेप देख के आप खुद अपना पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। पहला स्टेप है पासपोर्ट का, हमारा वेबसाइट आप देख लीजिए, पासपोर्ट सेवा का वेबसाइट देख लीजिए। ये पासपोर्ट सेवा का वेबसाइट है, आपको पासपोर्ट सेवा के वेबसाइट में जाना है। उसके बाद से यहाँ पे फर्स्ट हमारा स्टेप है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्ट यूजर लॉग इन। तो इसमें हम लोग न्यू यूजर है, न्यू यूजर है, तो हमको पहले न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग को पहले न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू यूजर पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही ये एक पेज आया, यहाँ पे हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज आया। अब ये सीपीसी दिल्ली, यहाँ पे हम लोग को नीचे सेवा सेलेक्ट करना है, पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस का अपना एड्रेस चूज करना है। पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस है, पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस हमारा है, तो हमको यहाँ पे अपना पासपोर्ट सेवा ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे गिवेन नेम है, आपका जो नेम है होगा गिवेन नेम, उसके बाद से आपका टाइटल नेम जो भी होगा गिवेन नेम के साथ मिडिल नेम, जैसे आपका नेम है राम कुमार यादव, तो आप इसमें राम और कुमार भर लीजिएगा, और नीचे सर नेम में आप यादव भर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि फिर ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजुकेशन है, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, यहाँ फर्स्ट नेम के साथ मिडिल नेम भी फिल करना है। और यहाँ पे जो भी आपका हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप फिल करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसको फिल करते हैं। पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ गया चेक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से पासपोर्ट सेवा के लिए कौन सा हमको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। तो हर स्टेट में अलग अलग पासपोर्ट सेवा ऑफिस है, आप अपना स्टेट का जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग पटना सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? पटना, गिवन नेम फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया, ईमेल आईडी फिल कर दिया, नेक्स्ट। अब डू यू लॉग इन विद सेम ईमेल आईडी, आपको पूछ रहा है कि सेम ही ईमेल आईडी से लॉग इन भी करना है, क्योंकि यूजर आईडी आपको लॉग इन यूजर आईडी सेम ही हो जाएगा अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक करते हैं हम लोग इस पर। क्लिक करने के बाद से ये यूजर आईडी सेम हो गया, आपको पासवर्ड फिल कर लेना है। पासवर्ड फिल कर लिए, पासवर्ड फिल करने में हिंट क्वेश्चन, आप कोई भी एक हिंट क्वेश्चन इसमें से ले ले, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, जो भी आपका एक फेवरेट क्वेश्चन हो उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद से आप यूजर आईडी पासवर्ड आप फिल अल्फा नोमेरिक में आप यूजर आईडी फिल करेंगे, जैसे कि अल्फा नोमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आप मैंने फिल किया ए कैपिटल लेटर में, ए बी सी डी एट द रेट 1 2 3, तो आप अपने अकॉर्डिंग मीन्स अल्फा नोमेरिक आप मैच करके आप पासवर्ड फिल कर लेंगे दोनों जगह पे, ठीक है? यहाँ पे जो कैप्चा है कैरेक्टर से उसको डिस्प्ले हो रहा है उसको फिल कर लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे सबमिट, नीचे सबमिट करेंगे तो ये अब रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन हो गया। Thank you for registration. You have the passport seva portal to active your account. Please click the email, send your email. जो हमने ईमेल डाला था उस ईमेल के अंदर ये हमारा रजिस्ट्रेशन चला गया है, लिंक चला गया है। अब उसको लिंक को वहां पे मेल को ओपन करके लिंक एक्टिवेट करेंगे। चलिए, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद से मेल अपने ओपन कर लिए, मेल ओपन करने के बाद पासपोर्ट सेवा एडमिन का एक मेल आया हुआ है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद से कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुल ऑन पासपोर्ट सेवा कह रहा है, कांग्रेचुलेशन यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुल
ऑन पासपोर्ट सेवा। आपका पासपोर्ट सेवा पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। आप इस ये जो बिलो लिंक है, ये लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए हम लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद से ये योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यूजर आईडी पासवर्ड तो हमने क्रिएट कर लिया था, यूजर आईडी आपका सेम मेल आईडी होगा और पासवर्ड जो अभी आपने क्रिएट किया है। अब इस पे हमने प्लीज लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये हमारा लॉगिन आईडी सेम दिख रहा है, लॉगिन आईडी सेम दिख रहा है, लॉगिन आईडी वही आपका यूजर आईडी आ गया। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेम आ जाएगा। अब इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्लिक करते ही लॉगिन आईडी आपका पासवर्ड आप फिल करेंगे, उसके बाद से जो कैरेक्टर है जो यहाँ डिस्प्ले कैरेक्टर से उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अब फिर से हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद से ये पेज हमारा लॉगिन हो गया। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डिस्प्ले करेगा, ये डेट डिस्प्ले हो रहा है, ये बाकी का। अब यहाँ पे हमको करना क्या है ये हमको समझना है, देखते हैं। पहला है अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट। अगर आपको फ्रेश पासपोर्ट, तो हमारे स्टूडेंट लोग फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है अप्लाई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अंदर ये बहुत चीजें हैं। तो पहला हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाना है, पहला हम लोग को अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट क्योंकि हमको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पे ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करके अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग को ये ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन है कि इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा ऑनलाइन फिल करने के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन फिल करेंगे। ऑनलाइन क्लिक टू डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी फ्रॉम देम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से क्लिक करेंगे ऑनलाइन डाउनलोड भी हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अपना पासपोर्ट ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। पहला आएगा स्टेट, स्टेट में आप सेलेक्ट कर लेंगे अपना स्टेट। दूसरा होगा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। स्टेट सेलेक्ट करते हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लिए बिहार और डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट इसको आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद से यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइशू नॉर्मल पासपोर्ट 36 पे 60। तो हम लोग को फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है, नॉर्मल पे क्लिक करना है। अगर आप जल्द तत्काल और नॉर्मल क्या चीजें हैं, जैसे नॉर्मल पासपोर्ट इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा, तत्काल तुरंत ही इसके लिए तत्काल के लिए आपको पेमेंट भी अधिक करना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए पेमेंट कम करना पड़ेगा, तत्काल के लिए अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। और जो पासपोर्ट के अंदर पेजेज होते हैं 36 पेज या 60 पेज, तो 36 पेज पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गिवन नेम, आपका नेम जो होगा आप उसको फिल कर लेंगे। अगर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम होगा, जैसे राम कुमार मैंने बताया, तो आप राम कुमार यादव, तो राम कुमार को आप फिल कर लेंगे, फिर लास्ट में यादव फिल करेंगे, यानी सर नेम। मेल फीमेल जो भी आप सेलेक्ट करते जाएंगे, आप आपका सेम नेम है, यस। यहाँ पे जो मैंने क्लिक करते गया, यू हैव यूर चेंज नेम, कभी आपने नेम चेंज किया, नो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस आउट ऑफ साइड ऑफ इंडिया है, नो, इंडिया में ही है। लोकल प्लेस ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, मैरिड स्टेटस फिल करना है, मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। यहाँ पे सिटीजन बाय इंडियन बाय बर्थ ही है, आपको बाय बर्थ फिल करना है। पैन अवेलेबल है, वोटर आई डी कार्ड अवेलेबल है, एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट टाइप कर देंगे, स्टूडेंट क्लिक कर लेंगे पॉपअप से। नेक्स्ट आपके सपोजर माइनर तो नहीं है, नो कर देंगे। क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, ग्रेजुएशन एंड अबव 12th, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा आप उसको फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको
यहाँ पे इट इज ECNR, देखिए इज एप्लीकेंट इज फॉर ECNR, यस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और डिजेबल जो हमारा एक कोई भी एक पहचान चिन्ह हमको लिखना है, तो हमको जो भी सामने दिख रहा है हाथ पे उंगली पे या फेस पे, तो मोल मार्क ऑन द फेस, मोल मार्क ऑन द नोज, अब जो भी आपके पास आधार नंबर है, आधार नंबर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है, और आधार नंबर को फिल करने के बाद से वैलिडेट भी कर देना है, वैलिडेट आधार नंबर, आधार नंबर वैलिडेट, फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके हमको सेव माई डिटेल्स और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस फिल करने के लिए, अब ये इसके बाद से हमको फिल करना है फैमिली डिटेल्स, प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल, अदर पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन, सेल्फी डिटेल, ये सारे चीजें फिल करके इसके बाद हमको सबमिट कर देना है यहाँ पे से नेक्स्ट करके, ये सारी चीजें फिल करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। पेमेंट लिंक आएगा, वहाँ पे हमको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद से आपको डेट का एक कॉलम आएगा, डेट आपको डेट लेना है कब, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं, पासपोर्ट आपका होम डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल है या आपके जहाँ भी आपको आपका सेंटर हो पासपोर्ट सेवा का, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से अपॉइंटमेंट डेट लेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, ये प्रिंट आउट कर देंगे। अगर कोई इशू हो तो आप वीडियो के अंदर कमेंट लिख के हमको दिक्कत है, आगे का भी जो भी आपको दिक्कत होगा आपको गाइडलाइन दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कृपया सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, धन्यवाद।